नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का मेरे YouTube चैनल दर्शन ऑल इंडिया में। तो कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने ये बताया था कि फोटोग्राफी से आप पैसे कैसे कमा सकते हैं, फोटो को आप कैसे सेल कर सकते हैं, फोटो को कहाँ सेल करते हैं और जहाँ आप सेल करते हैं उस वेबसाइट को बकायदा मैंने एक ट्यूटोरियल बनाया था और स्टेप बाई स्टेप मैंने आपको अकाउंट बनाने सिखाया था, फोटो कैसे अपलोड करते हैं ये भी मैंने बताया था। तो ये वीडियो बहुत ही अच्छी है, वो वीडियो अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लीज आप उसको देखे और काफी अच्छा जितने लोगों ने देखा रिस्पांस दिया तो उनको थैंक्स उस वीडियो के लिए। सो इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि मैंने क्या किया कि एक फोटो उस पर अपलोड किया सेल करने के लिए। काफी अच्छी फोटो थी, उस फोटो को मैं दिखा भी रहा हूँ, देख सकते हैं। सो काफी अच्छी फोटो थी लेकिन उस फोटो को क्या किया, 3 दिन रिव्यू में रहा और बाद में वो रिजेक्टेड हो गया। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि वो फोटो इतना अच्छा होते हुए भी रिजेक्ट क्यों हुआ। तो चलिए देर ना करते हुए आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन पर ले जाते हैं और पूरा आपको दिखाते हैं। तो फाइनली फ्रेंड हम लोग मोबाइल की स्क्रीन पे आ चुके हैं। मैं आपको बता दूं कि यही फोटो जो है मैंने एडब स्टॉक मार्केट में सेल करने के लिए अपलोड किया था लेकिन इसे 3 दिन रिव्यू में होने जाने के बाद इसे रिव्यू वाले ने नॉट एक्सेप्टेड कर दिया, यानी नहीं सिलेक्ट हुआ। तो बहुत सारा रीजन भी उन्होंने दिया, तो एक एक करके 2-4 रीजन मैं बताऊंगा कि ये फोटो को क्यों नहीं एक्सेप्टेड किया गया। अच्छी क्वालिटी की ये फोटो है फिर भी एक्सेप्ट क्यों नहीं हुआ, तो इस वीडियो में पूरा आपको डिटेल से बताऊंगा। तो पहला जो रीजन रहा, टेक्निकल इशू रहा, वो मैं आपको बता दूँ। टेक्निकल इशू जो फर्स्ट इशू रहा वो ये था कि इसमें जो भी फोटो हम अपलोड करते हैं सेल करने के लिए, बेचने के लिए, वो फोटो का जो फॉर्मेट होना चाहिए वो JPEG फॉर्मेट होना चाहिए, लेकिन जो मैंने फोटो अपलोड किया था वो JPG फॉर्मेट था। इसको मैंने क्या किया था, एडिट करके JPEG फॉर्मेट में किया था, जो एक टेक्निकल प्रॉब्लम था उसके वजह से। दूसरा इसमें जो प्रॉब्लम आया वो ये था कि कोई भी फोटो को आप अपलोड करते हो इस पर तो इसकी मिनिमम जो फाइल की साइज रहेगी वो 4 MB की रहनी चाहिए, मैक्सिमम 45, लेकिन इसकी जो फाइल की साइज था वो KB में था, मतलब 200-300 KB में था। तो मैंने एडिट करके उसको 4 MB में लाया था, उसके बाद अपलोड किया था। तो ये दूसरा इसका टेक्निकल इशू था। तीसरा जो टेक्निकल इशू ये था कि इसकी जो मैंने टाइटल यहाँ पे देखिए दिए हैं, सनराइज ओवर द ट्री, राइट, और कभी भी जो ये सूर्य जो निकल रहा है पीछे आप देख सकते हैं, फोटो में दिखा रहा हूँ, वो काफ़ी ज़्यादा पीछे से निकल रहा है और ओवर द ऊपर से तो नहीं निकल रहा है, पेड़ के ऊपर से सर नहीं निकल रहा है। ये तीसरा रीजन था जिसकी वजह से फोटो जो है नॉट एक्सेप्टेड हुआ था। और मैंने इसमें बात करने की कोशिश किया है, जैसे ही कोई और प्रॉब्लम हमको नज़र आएगा वो हम आपके वीडियो के द्वारा ज़रूर बताएंगे। और आप भी फोटो सेल करना चाहते हैं, फोटोग्राफर बनना चाहते हैं, तो ये 3-4 गलतियाँ बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो आपका भी फोटो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो ये रहा पूरा डिटेल फोटोग्राफी से। तो आशा करता हूँ फ्रेंड ये वीडियो आपको पूरा समझ में आ गया होगा। यदि आप फोटोग्राफी करना चाहते हैं तो ये मिस्टेक आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे, इतना प्रिपेयर करके ही आप फोटोग्राफी जाइए और सेल कीजिए फोटो को और अच्छा खासा अर्न कीजिए। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना हो सके अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कीजिए, क्योंकि इस पर सबसे ज़्यादा कोई वीडियो मिलेगा मेरे चैनल को वो मिलेगा आपको ऐप रिव्यू का, जो अच्छे अच्छे ऐप देते हैं, उसमें गेमिंग ऐप हो सकता है, ऐप से पैसे कैसे कमाएं, ऐसे वाले ऐप, अच्छे अच्छे ऐप के बारे में हम बताते हैं इस पर, और हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन, ज़्यादातर इसी पर आपको वीडियो मिलेगा। मोबाइल से ट्रिक जो कभी कभी होता है, बहुत ऐसे चीज़ें सेटिंग में होता है जो किसी को नहीं पता होता, तो ऐसे चीज़ हमको देखती है तो उस पर भी हम वीडियो बना देते हैं, राइट। तो ऐसे ऐसे वीडियो आपको मेरे चैनल पर देखने को मिलेगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें और जितना हो सके शेयर करें। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।